बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जनपद स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ नारमल स्थित राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय परिसर में किया गया। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह के अलावा एडी बेसिक सत्य प्रकाश त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर बीएसए बीएन सिंह ने अपने संबोधन में अतिथियों का स्वागत किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ अनु सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों को गोरखपुर महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। सीडीओ ने कहा, इस आशा के साथ कि हमारे समस्त विद्यार्थियों को समस्त शिक्षकों को उनके पद को आलोकित करें प्रतियोगिता 3 दिनों तक 27, 28 और 29 को चलेगी। नया पंचायत स्तर से होते हुए नया पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, उसके बाद यहाँ मुख्यालय पे जनपद स्तर पे बच्चे आए हुए हैं। रंग बिरंगे वेशभूषा में हैं। एक इन नई उमंग है, चाहत है। इन नन्हे मुन्हे बच्चों का हम स्वागत नंदन करते हैं। एक चीज और हम बताएं कि सर के सहयोग से आज लगभग 1255 विद्यालय ऐसे हैं जहां बाउंड्री वॉल या निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे बेसिक परिवार के लिए सब बराबर नजर रखते हैं, जिनका आपका विशेष आभार है। जो प्रथम आते हैं, प्रथम और द्वितीय को जो गोरखपुर महोत्सव हो रहा है उनमें उनका नाम हमको दिया जाए ताकि उन बच्चों को हम सानिध्य में जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर ध्वज उत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ छत्रछायन कन्या दीक्षा भवन के इस प्रांगण में बेसिक गांव के द्वारा इसका शुभारंभ है। कैप लगाकर के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय प्रेमचंद नगर बोरंगे सभी कदमों से बढ़ता हुआ यह मुख्य विकास अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया। सुवाद वाद मिसेज कबीर हो जई बनो बनी चलो बनी चलो
बेसिक शिक्षा परिषद परिवार द्वारा यह 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें सभी ब्लॉकों में न्याय पंचायत स्तर पे जो अच्छे परफॉर्म करके बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ होंगी जिसमें दौड़ से लेके खो खो से लेके अन्य प्रतियोगिताएँ होंगी और इसमें जो बच्चे विजयी होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक अच्छा माध्यम होता है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में एक अच्छी सोच और नकारात्मक सोच को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। पिछले वर्ष ये 1 दिवसीय था, इस बार प्रयास से इसको 3 दिवसीय किया गया है जिससे कि खेल कूद को बच्चों के बीच में बढ़ावा दिया जा सके। जो यहाँ पे बच्चे अच्छा करेंगे उनको गोरखपुर महोत्सव के समय में भी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें उसके अंत में हमारे विशिष्ट गण आते हैं। अंतिम इवेंट में उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, उस इवेंट में हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे।